बैंडिडोज, ये एक हाइस्ट एडवेंचर थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे मिगेल और उसके कुछ साथियों की कहानी जो तलाश कर रहे हैं एक छुपे हुए बहुत ही कीमती खजाने को, लेकिन उस खजाने को और भी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। तो आखिर वो खजाना किसको मिलेगा और खजाने की तलाश के दौरान मिगेल और उसके साथियों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ट्रेजर हंटिंग शोज हमने पहले भी बहुत से देख रखे हैं और ये सीरीज आपको इस जॉनर में कुछ भी नया और अलग ऑफर करती नजर नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सीरीज बुरी है और आप ये सीरीज ना देखें। मेरी नजर में इस सीरीज की कहानी आपको डिसेंटली एंगेज करके रख सकती है अगर आपको ट्रेजर हंटिंग शोज देखना बहुत पसंद आते हैं। तो मेरी नजर में ये शो टाइम पास के लिए देखा जा सकता है। इस सीरीज में आपको लाइट सी कॉमेडी देखने को मिलेगी, थोड़े सिली ओवर द टॉप किस्म के कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जो आपको थोड़े बहुत पसंद आ सकते हैं और आप इन कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस को थोड़ा बहुत सीरीज में एंजॉय कर लेंगे। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स हमने पहले भी देख रखे हैं और इन कैरेक्टर्स में आपको कोई खास इमोशनल डेप्थ भी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सीरीज में थोड़ा बहुत रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऑर्डिनरी से गन फाइट सीन्स आपको सीरीज में देखने को मिल जाएंगे और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको कहानी के सेकंड हाफ में जाकर देखने को मिलेंगे। बाकी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये सीरीज एक ऐसी ऑडियंस जिनको ट्रेजर हंटिंग शोज देखना बहुत पसंद आते हैं लेकिन अभी उन्होंने इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, उनको ये सीरीज पसंद आ जाएगी, उनका एक ठीक ठाक सा टाइम पास करवा देगी। खासतौर पर हमारी यंग ऑडियंस को ये सीरीज पसंद आ सकती है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस ऑडियंस है जो इस तरह के शोज पहले भी बहुत बार देख चुकी है वो चाहे तो इस शो को इजीली स्किप कर सकते हैं। खैर मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। और हाँ ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सीरीज में आपको कुछ छोटे छोटे सेक्स सीन देखने को मिलेंगे और अडल्ट लैंग्वेज भी आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी। और हाँ इस सीरीज के सीजन 1 को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज के सीजन 1 की वो कंप्लीट है, आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है, वो चाहें तो आसानी से सीजन 2 में कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।